गाइस वेलकम बैक, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ममाज एंड डैडाज के साथ शेयर करने वाली हूँ सेरेलेक के बारे में। क्या सेरेलेक हम घर पे बना सकते हैं? अगर बना सकते हैं तो उसकी रेसिपी क्या है, और सेरेलेक बच्चों को क्यों मना किया जाता है देने के लिए, और अगर देना भी हो तो कौन से ब्रांड का अच्छा होता है। तो भाई सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि सेरेलेक आप कोई भी ब्रांड का दें, सब अच्छे होते हैं और सब में आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपके बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो अब बात आ जाती है कि सेरेलेक को फिर मना क्यों किया जाता है, डॉक्टर्स क्यों नहीं बोलते कि सेरेलेक दो। गाइस वो इसलिए नहीं बोलते क्योंकि आप लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है कि पैकिंग फूड हमेशा अवॉइड करने की एडवाइस दी जाती है। तो हम लोगों को पैकिंग फूड हमेशा अवॉइड करना है, चाहे वो अपने लिए हो या फिर छोटे बच्चे के लिए हो। यार आपके बच्चे ने अभी जस्ट 6 मंथ क्रॉस ही किया है, 7 मंथ में अभी उसने पाँव अपना रखा ही है और आप लोग उसको पैकिंग फूड देना शुरू कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो हम घर पे सेरेलेक बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, उसको बनाने में भी बड़ा मज़ा आता है। और जो रेसिपी आप लोगों को मैं शेयर करूँगी उसको आप लाइक देख कर भी आपको बहुत मज़ा आएगा कि हाँ ये टेस्टी भी है और अच्छा भी है बच्चों के लिए। और एक बात और है, जो पैकिंग फूड में जो चीज़ नुकसान करती है कि पैकिंग फूड जो होता है, जो सेरेलेक होता है, उसका टेस्ट कर भी आपने अगर किया हो तो सेरेलेक का टेस्ट बहुत बहुत अच्छा होता है। अगर बड़ों को दिया जाए तो एक बाउल आराम से चट कर जाएंगे। तो गाइस सेरेलेक का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, सीरियसली बहुत अच्छा होता है। इसलिए तो बच्चे आपने देखा होगा कि चटा चट करके सब फिनिश कर देते हैं, राइट। तो सेरेलेक को बच्चों को देखकर ही बनाया जाता है कि किस तरह से बच्चों का टेस्ट होना चाहिए। तो उसमें क्या डाला जाता है, शुगर डाला जाता है, जो एक छोटे बच्चे के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। इन फ्यूचर उसको शुगर का प्रॉब्लम हो सकता है, मोटापे का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर उसको एक हैबिट बन जाएगी, या फिर उसको एक लग जाएगा कि लत मुझे तो मीठा खाना अच्छा लगता है, उसको मीठे का खाने में थोड़ा सा ज़्यादा उसका टेस्ट जो है वो बढ़ जाएगा। सो बेस्ट है कि अभी आपके बच्चे को ना तो सॉल्ट दें ज़्यादा, और ना ही नमक दें और ना ही शुगर उसको अभी टेस्ट कराएं। तो दोनों चीज़ें उसको हमने अवॉइड करनी है। और घर पे ही सेरेलेक की रेसिपी मैं आप लोगों को बताती हूँ, उस तरह से हमने घर पर सेरेलेक रेडी करना है और अपने बच्चों को देना है। हाँ, सेरेलेक अगर आप देना चाहते हैं, आप कहीं ट्रैवल करना जा रहे हैं, आपने कहीं घूमने जाना है, आप 1 वीक के लिए बाहर जा रहे हैं, या फिर आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो इंस्टेंट बन जाए और आपके बच्चे के लिए हेल्दी हो, जैसे ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं हम लोग, तो हमारे पास कुछ ऐसा नहीं होता कि बच्चे को क्या दे जिससे उसका जो भी बॉडी में जो कमियां होती हैं वो पूरी हो जाएँ, बच्चे को पूरा पोषण मिले। तो उसके लिए आप 2 से 3 दिन जाने से, जहाँ पे भी आपने ट्रैवल करना है, उसे 2 to 3 days पहले अपने बच्चे को सेरेलेक जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दें, उसको खिलाना शुरू कर दें, ताकि उसका एक टेस्ट बन जाए और जब भी आप कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो इंस्टेंट फूड वो बनाकर उसको दे सकते हैं। तब उस चीज़ के लिए मैं एग्री करूँगी कि हाँ भाई तब आप दे सकते हैं। बट अगर आप ये कहें कि इसको आदत ही डालनी है, तो उसके लिए मैं बिल्कुल अच्छा नहीं समझूंगी कि आप उसकी आदत बच्चे को मत डालिए। बट हाँ, जो ऑफिस मदर हैं वो बोलती हैं कि यार अब हम क्या करें, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता, या फिर वो टोटली मेड पे डिपेंड होती हैं कि मेड ने ही बच्चे को खाना खिलाना है, टोटली मेड पे डिपेंड होती हैं, तब चलो ठीक है, तब हम थोड़ा बहुत ले सकते हैं, ओके फाइन, उस चीज़ को हम अलग रखते हैं। बट मैं कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा यही करिए कि आप घर पर ही सेरेलेक रेडी करें। तो चलिए बातें ज़्यादा ना करते हुए देख लेते हैं सेरेलेक कैसे हम घर पर बना सकते हैं, क्या उसकी रेसिपी है, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों सबसे पहले आपने 1 कप चावल का लेना है, उसे अच्छी तरह से आपने धो लेना है और पैट ड्राई करना है, और उसको आपने ड्राई होने के लिए रख देना है, पूरी तरह से चावलों को सुखाने के लिए रख दीजिए। तो उसके बाद बारी आती है और हम इसमें क्या डाल सकते हैं। तो इसमें हम 2 चम्मच उड़द की दाल डालेंगे, 1 कटोरे के अंदर 2 चम्मच उड़द की दाल ले लीजिए, 2 चम्मच मूँग की दाल ले लीजिए, 2 चम्मच मसूर की दाल ले लें, और साथ आपने एलमंड यानी कि बादाम लेने हैं। तो अब आपने इन सभी को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, वॉश करने के बाद अगेन इनको आपने पैट ड्राई करना है और कम्प्लीटली ड्राई होने के लिए रख देना है। अब आप देखेंगे कि सारी चीज़ें अच्छी तरह से पैट ड्राई हो गई हैं। तो चावल लेना है, चावल को हमने, जो चावल हमारे पूरी तरह से ड्राई हो गए हैं, अब हमने उनको रोस्ट करना है। और अब हम इसके अंदर 1 चम्मच डाल रहे हैं ब्रोकन व्हीट, जो बहुत अच्छे होते हैं, उनको उनके अंदर हमने 1 चम्मच ब्रोकन व्हीट डाल देना है और दोनों को अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है। बहुत अच्छी तरह से धीमी आंच पे आपने उसको रोस्ट करना है, और अब आपने उसको मिक्सी में चलाकर ब्लेंड कर देना है, अच्छे से उसको ब्लेंड कर दें। ब्लेंड करने के बाद आपने उसको छान लेना है। तो ये हो गया, छान कर उसको रख लीजिए। अब दोस्तों हमारी जो दालें हैं और बादाम है, ये भी पूरी तरह से सूख गए हैं, अब हमने इनको भी
थोड़ा सा भून लेना है बहुत ही हल्की आंच पर। आपने इनको भी रोस्ट करना है। रोस्ट करने के बाद अब आपने अगेन इन सभी चीज़ों को भी मिक्सी में डालकर अच्छी तरह से इनको पीस लीजिए, ब्लेंड कर लीजिए, बहुत अच्छे से बारीक ब्लेंड कर लेना है आपने इनको। अब आपने चावल और इन दालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये सेरेलेक पाउडर हमारा बनके रेडी हो गया है। अब सभी चीज़ों को आपने अच्छे से छान लेना है। छानने के बाद आप देखेंगे आपका जो सेरेलेक है वो बनके रेडी हो गया है। तो गाइज़ अब आपने करना क्या है कि जब भी आपने अपने बच्चे को सेरेलेक देना है तो आपने एक गिलास पानी लेना है, उसे बर्तन में डालना है और उसके अंदर आपने 2 चम्मच सेरेलेक के डालने हैं और अच्छे से गर्म करना है। गर्म करने के बाद आपने वेट करना है कि एक पेस्ट फॉर्म में आ जाए। जब आप देखेंगे ये बहुत ही सूद पेस्ट फॉर्म में आ गया है तो आप इसे ठंडा करके अपने बच्चे को दे सकते हैं। सो गाइज आई होप वीडियो पसंद आया होगा, आपको भी घर पे सेरेलेक बनाने की जो रेसिपी है वो समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बार में मुझे ज़रूर लिखिएगा। मिलूंगी अब नई वीडियो में जो आपके लिए और सबके लिए हेल्पफुल हो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।